मेरे सजनों बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो जी एस स्टूडियो। मेरे सजनों जी एस स्टूडियो यूट्यूब दे राही अपनी माँ बोली दा प्रचार करदा है ते लोक दास्ताना राही इश्को मुहब्बत ते सूरमियां दियां लोक विरसा दास्ताना तुहाड़े तीकर अपड़ाउण दा चारा करदा है। सीना ब सीना दास्ताना विच किन्नी कु सच्चाई हुंदी है इहदा ते पता नहीं, पर इहना विच सबक जरूर हुंदा है। मेरे सजनों जी एस स्टूडियो तुहाड़े वास्ते जिहड़ी दास्तान लैके आया है उहदा नां है मिट्टी दा राज। इस दास्तान की फरमाइश करदे ने फैसलाबाद तो मुहम्मद रियाज रहमानी, अमदाद रहमानी ते मुहम्मद अरशाद रहमानी। बंगला गुगेरा तो नदीम अहमद रहमानी, रावलपिंडी तो मुहम्मद अली सदीकी, साधोवाल तो जाहद अली, सऊदी अरब तो शुजात अली, दुबई तो अमजद अली, इटली तो जफर बबली पट्टी, चौधरी आमर विरक बतालिया, स्पेन तो राणा शबीर आज़ाद, निके दौलताने तो बाबा मुनीर, अमान सलाले तो हाजी मुहम्मद शरीफ, विहाड़ी गढ़ा मोड़ तो अब्दुल रजाक, सियालकोट तो हाजी गुलाम हैदर, रावल पिंडी तो राणा जाफर, काले वाला चीमा तो जकाउला चीमा। मेरे दोस्तों हुणोने आ असी अपनी अज दी दास्तान वाले। बादशाहां दी जिंदगी भी अजीब हुंदी सी, अद्धी मैदाने जंग विच गुजर जांदी ते अद्धी विच शुगल मजाक च लंघ जांदी। उहनां दे शौक भी वखरे हुंदे सन। साडी अज दी कहानी इंज दे ही एक बादशाह बारे वे। एक बादशाह एक दिन दरबार विच बैठा सी ते उह तखत ते बहिण लगा, एक उंगली ते मिट्टी ला के अपने मत्थे दी लकीर बणाउंदा ते फिर तखत ते बहिंदा। उहदा वज़ीर पुछण लगा, बादशाह सलामत मैनू समझ नहीं आई भई तुसीं मिट्टी दी लकीर मत्थे ते क्यों बणाउंदे हो, मैनू जरा इहदा राज़ ते दसो। बादशाह कहण लगा, तू छड्ड इस गल नूं, तू इहदे विच्चों की लैणा है। जदों वज़ीर ने जिद कीती बादशाह कहण लगा, चल मैनू पहलों कोई इहो जिहा शुगल विखा जिहड़ा ना मैं कदी पहलों वेख्या होवे ते ना अज तों बाद वेखां, ते फिर मैं तैनूं इहदा राज़ दसांगा। वज़ीर कहण लगा, ठीक है, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਧਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭੇਤ ਜੇ ਪੰਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ, ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੂਏ ਯਾਰ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੇਰੀ। ਬੀਬੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਭੇਤ ਕਦੀ ਨਾ ਪੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭੇਤ ਪੰਨੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੰਨਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਰੱਤੀ ਪੋਰਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਪੇ, ਨਾ ਪਛਾਨਣ ਸਹੁਰੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਨਣ ਮਾਪੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਇਆ ਲਿਆ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮੁੰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਧਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਸਨੇ ਖੋਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਰਾਸਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਲੈ ਕੇ ਚੋਲੀ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਡਰਾਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਆਖਣ ਦੇਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਮਾਮਾ।
लै चोली बिच रोमन लगी मरिया सिर दा साई बैन करे ओ गूड़े यारो खुलिया करके बाई आंड गवांडिया आके डिटा वजीर सी मरिया होया आके बादशाह आकन लगा दबो काट के टोया ओना पड़ी अज नाला ओदा ओनू चाद फुनाया लैके गम वजीर दा बादशाह महला दे विच आया जदों बादशाह ने वजीर नू अपनियां अखां नाल मरिया वेख्या ते कहण लगा मैं कानू एदे नाल कोई शर्त रखी लगदा है वो शर्त दा गम खा गया है ते इसे तो ही मर गया है एदे कोलों शर्त पूरी नहीं हुई ते उन्हें अपनी जान दे दिती है। बादशाह कहण लगा चलो इनू दफना दिओ उन्होंने कबर कढ़ी ते वजीर दा जनाजा पढ़ा के बादशाह दियां अखां दे सामने दफना दिता। वजीर दे गुआंढ एक माई रहिंदी सी वजीर रात नू ओदे कोल आउंदा है ते फिर की हुंदा है साधक पट्टी पेश करदा है। जद माई दे कोल आया माई आके पूत आखन लगा पाना रौला फेरा गा मैं जूत मैं फरिश्ता बन के तेरी जान कड़न लई आया रब ने मेनू हुक्म दिता है ओने आप कलाया आखन लगी बच्चा मेनू थोड़ी मोलत दे दे कल जावांगी नाल तेरे मैं रब नू जाके कह दे वजीर डर के माई दे ताई आ पलंग ते सुत्ता विच गली दे भौंकन लगा फेर सजनो कुत्ता जदों माई ने कुत्ते दे भौंकन दी आवाज सुनी ते कहन लगी वाकई ओ फरिश्ता सी कहिंदे ने जानवरां नू फरिश्ते दिसदे ने ओ बादशाह दे दरबार विच जाके बादशाह नू की कहिंदी ए साधक पट्टी पेश करदा आखन लगी बादशाह तेरा वजीर मैं राती दिता ओ फरिश्ता बन के आया बोले मिठा मिठा कहिंदा तेरी जान कढ़ांगा मैं ते तरले पाए इस घड़ी मुड़ जा मैं तो कल नू फेरो आए आखन लगा बादशाह मैं भी नाल तेरे कल जावा की हकीकत उस दी जाके तेनू कल बहावा बादशाह भी तागते ओले यारो आके लुका अद्धी राती बिच बाजार दे भौंकिया फेरो कुत्ता आखन लगी माई शाह लगदा फेरो आया इन चेनू वजीर ने आके फिर सलाम बुलाया कानी अखी वेखिया ओने बादशाह लुका होया आखन लगा माई हुन तू पुट वेड़े बिच टोया एक दी थां ते दो तू पट्टी एक लुका होया बादशाह सोचिया गल सच्ची की मेरे नाल होया बादशाह सामने आन खलोता तरले मिंता पाए जदों वजीर ने कहा माई तेरे नाल नाल एक होर बंदे दी जान कढ़नी है माई पुछन लगी ओ केड़ा वजीर कहन लगा जेड़ा बूहे दे पिछे लुक के बैठा है बादशाह कहन लगा वाकई ये फरिश्ता बन के आ गया है जिन्हों ये भी पता लग गया मैं किथे बैठा वा बादशाह सामने आके कहन लगा तू मेरा वजीर सैं मैनू माफ कर दे वजीर कहन लगा जदों मैं तेरा वजीर सां ते तेरा हुक्म मानदा सां ते मैं हुण रब कोल चला गया वा ते हुण रब दा हुक्म लै के आया वा ते ओदा ही हुक्म मनणा वा साधक पट्टी पेश करदा आखन लगा इंज करांगा
सोने रब दे अगे पेश मैं यार करे अगो रब दी मर्जी होई बख्श देवेगा तेनू पर जे रब ना मन्या ओ ते फिर ना कहना मैनू आखन लगा बादशाह चंगा जो साडे नाल होवे माई नाले अक्खां बन्ने नाले सजनो रोए बन के अक्खां दोआं दियां खोते चाड़ बिठाए जाके ओ ना टिबियां उत्ते दोवे यार घुमाए आखन लगा रुक जो ते गल मैं करके आया एक सियाने बंदे आके खोते उत्तों लाया पट्टियां खोल के वेखन लगे असी ते खड़े जमीने एक ही कीता साडे नाल जी उस वजीर कमीने ओ ते जिंदा फिरदा एथे सानू चक्रे पायो माई तुरगी घर नू अपने बादशाह मिली आया कट्ठे कर वजीर जी ओने किस्सा खोल सुनाया फिरदा तुरदा यार वजीर जी बादशाह सामने आया फिरदा तुरदा यार वजीर जी बादशाह सामने आया मेरे सजनों जदों वजीर सामने आया ते बादशाह कहन लगा रामजादे ए की तू साडे नाल कीता है वजीर आखन लगा बादशाह सलामत तुसी आपे ते आख्या सी मैनू कोई शुगल विखा जेड़ा ना पहलों वेख्या होवे ते ना मैं बाद विच वेखा बादशाह कहन लगा वाकई तू कामयाब हो गया है वजीर कहन लगा बादशाह सलामत अपने वादे दे मुताबक हुण मैनू मत्थे ते लगी मिट्टी दा राज दसो ओ किवें राज दसदा है मेरे सजनों बेलियो ते मित्रो ये असी तुहानू दास्तान दे दूजे हिस्से विच सुनावांगे इहदे नाल ही जी एस स्टूडियो वल्लों शायर नज़ीर सुल्तानी रिकॉर्डिस्ट लाला जी ते लोक दास्तानां दे बादशाह सादक पट्टी नू इजाजत दिओ रब राखा रब राखा रब राखा।